रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये क्लास टेंथ के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, क्लास टेंथ के केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है। क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक, इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, 11 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं क्लास टेंथ के केमिस्ट्री से, जो कि आपको बिहार बोर्ड 2024 के लिए काफी इंपोर्टेंट होंगे। 11 हम लोग VBA ऑब्जेक्टिव देखने, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं, तो बहुत ही कम समय में हम लोग बहुत ही बेहतरीन और यूजफुल काम करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि लोहा को जिंक से लेपित करने, अगर ये लोहा है इसके ऊपर हम लोग जिंक की परत चढ़ाते, इसी को तो कहते थे हम लोग जिंक से लेपित करने की क्रिया। ठीक, और इसका हमने नाम क्या रखा था, गलवनीकरण, आपको याद होने चाहिए, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। ठीक, धन्यवाद। अगला प्रश्न हमारे पास है दूसरा, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर का एजी क्लोराइड का सीएल, एजी सीएल का कलर पूछा गया है, तो हमने क्लास में पढ़ा हुआ था कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता था श्वेत, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा, श्वेत होता था, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है तीसरा, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जस्ता यानी कि जिंक और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, ये अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है, जिंक एक धातु, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्ल है, तो हमने पढ़ा था कि जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो फिर कौन सा गैस निकलता है, जरा सा मन में आप एक बार याद कर लेना कि कौन सा गैस निकलता है, हमने थ्योरी वाले पार्ट में पढ़ा था, तो अब आपको याद आ गया होगा कि इसमें H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी H2 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अब हमारे पास है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, साग सब्जी को जब हम लोग फेंक देते हैं या फिर मिट्टी के नीचे उसको रख देते हैं तो फिर वो क्या होता है, सर गल करके कंपोस्ट बन जाता है, तो आप नोटिस करना कि जिस मिट्टी के नीचे वो दबा हुआ, जब आप उसके ऊपर जाओगे या उसके ऊपर आप एहसास करने की कोशिश करोगे, आपको पता चलेगा कि वहां पर हल्का हल्का क्या उष्मा उत्पन्न होता है, वहां हल्का सा गर्मी महसूस जरूर होगी, यानी कि इससे उष्मा निकलता है। ठीक, और अगर उष्मा निकलता है तो अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, उष्मा शोषी या उष्मा छेपी हो जाएगी, अर्थात बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पांच प्रश्न हम देख ले, इसी प्रकार से हमारा छठा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, लेड नाइट्रेट PbNO3, पीबी यानी कि लेड नाइट्रेट का NO3 को गर्म करने पर प्राप्त होता है, यानी कि जब हम लोग PbNO3 को क्या करते थे, गर्म करते थे, तो क्या चीज प्राप्त होता था, जल्दी से याद कीजिए, थ्योरी में हमने ये सब के सब पढ़ा हुआ है, तो जब हमने पढ़ा था कि लेड नाइट्रेट को जब हम लोग गर्म करते थे इसमें दो चीजें उत्पन्न होती थी, NO2 और प्लस में होता था O2, NO2 प्लस O2 होता था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ, अर्थात डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जिन लोगों ने ये सोच करके रखा था चार ऑप्शन को देकर के उसका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए, सात नंबर, निम्न में कौन सही है, यानी कि NO2CO3 5H2O होगा या 10H2O होगा या 7H2O होगा या 2H2O होगा, इन सभी सूत्र में से कौन सा सूत्र सही है, ये सूत्र भी हमने पढ़ा हुआ क्लास में, तो Na2CO3 कौन सा होगा, 10H2O होगा, ये भी पढ़ा था Na2, अच्छा हाँ ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, सो Na2CO3 10H2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट में जल का 10 अणु होनी चाहिए, ये हमने पढ़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आप ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है आठवां प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है, अपघटन की अभिक्रिया के बारे में पूछा गया है, तो आप याद रखना, जब पोटेशियम क्लोरेट कौन, 2KCLO3 या पोटेशियम क्लोरेट है, ठीक, पोटेशियम क्लोराइड को जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये फिर पोटेशियम क्लोराइड 2KCl बनता है प्लस 3O2 बनता है, ये हम लोगों का क्या है, एक अपघटन अभिक्रिया है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन नंबर कौन सा, सी में सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, कि जब पोटेशियम क्लोराइड को हम लोग तोड़ते हैं यानी अपघटित करते हैं तो दो भागों में टूट जाता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। ठीक है, बिल्कुल आसान सा अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया में क्या हुआ, दो भाग में टूट गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, सी नंबर सही हो जाएगा।
सी नंबर नौवां प्रश्न हमारा सेकेंड लास्ट प्रश्न है नौ नंबर का, Fe2O3 प्लस टू Al से Al2O3 प्लस टू Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। यानी कि ध्यान से सोचिएगा, Fe2O3 को जब Al से अभिक्रिया करवाया गया, एल्यूमिनियम को जब फेरिक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाया गया, तो ये ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ आ गया और फिर ये जो आयरन है ये अकेले बच गया है, ठीक है। तो यानी कि इन्होंने इसको क्या कर दिया, हटा दिया है, अपने स्थान से हटा दिया है। और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हटा दिया यानी विस्थापित कर दिया। और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसमें था क्या, आपको याद होनी चाहिए कि अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके स्थान से हटा देता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चला जाए, जो कि हमारे पास है लौह चूर्ण परतनु, लौह चूर्ण यानी कि आयरन को हम लोग जतनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को अम्ल डालने से क्या होता है। अच्छा, ये तो आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि ये धातु हो गया, धातु को जब हम लोग अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। ऑप्शन पढ़ते हैं, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता। अच्छा, यही तो सही है, इसमें बनेगा हाइड्रोजन गैस प्लस आयरन क्लोराइड, क्लोरीन गैस एवं, ये बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर यही हमारा सही है, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगा। आप हमेशा याद रखना कि जब भी धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो H2 गैस हर हाल में निकलता ही निकलता है, बाकी ये H से H2 बन जाएगा, ये FeCl बन जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए आपको 2 लगाना पड़ेगा, ये अब बैलेंस कर लेना। फिलहाल हमारा सवाल क्या, लौह चूर्ण पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। 10 नंबर का ऑप्शन कौन सा, ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 10 का ए हमारा सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। 11 नंबर का सवाल हमारे पास है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, श्वसन जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया। ऑप्शन है उपचयन संयोजन, अपचयन, ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी तो होगा नहीं क्योंकि हम लोग इसमें ऊष्मा छोड़ते हैं लेते नहीं, अपचयन, अपचयन भी नहीं होगा, संयोजन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो गया। याद रखिएगा कि श्वसन, श्वसन जो है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, श्वसन उपचयन अभिक्रिया, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया होती है। ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, एक उपचयन अभिक्रिया। तो ये आज के क्लास में हमारा था लास्ट टोटल 11 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें से अगर आपको किसी में भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बतलाइएगा। और अगर आप क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं और उसमें आपको किस चीज़ में मदद की जरूरत है, हमसे पूछिए, कमेंट सेक्शन में जाकर पूछिए, हम लोग हर हाल में आपकी मदद करेंगे। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।